लग गए दुनिया के पीछे, सारी सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम है, फ्यूचर ब्राइट हो जाए, मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। लोग मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, लोग फैमिली छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिधर भेजो उधर चले जाएंगे, बस पैसे मिलने चाहिए, दुनिया अच्छी होनी चाहिए। मैं नहीं कहता मीठे इस्लामी भाइयों दुनिया अच्छी करने की और दुनिया में कमाना गलत है, मगर ऐसा दुनिया के पीछे भागना कि मौत ही को भुला बैठे, आखिरत ही को भुला बैठे, आखिरी ठिकाने को ही भुला बैठे। आज लोगों का शेड्यूल देखें, सुबह से रात तक जदवल देखें तो ब्रेकफास्ट टाइम है, लंच टाइम है, डिनर टाइम है, नाश्ता करने का वक्त है, दोपहर का खाना करने का, खाना खाने का वक्त है, रात खाने का वक्त है, ऑफिस जाने का वक्त है, स्कूल जाने का वक्त है, कॉलेज जाने का वक्त है, शाम दोस्तों में बैठने का वक्त है, रात फैमिली के साथ बैठने का वक्त है, टीवी देखने का वक्त है, कुछ लोगों को जान की बड़ी फिक्र है, वॉकिंग करने का वक्त है, जिम में जाने का टाइम है। ये सारे टाइम तुमने बना लिए, इस पूरे शेड्यूल में नमाज का वक्त कहां है, कुरान का वक्त कहां है, दुरूद टाइम कहां है? बताओ ना, सुबह से शाम दुनिया बेहतर करने का टाइम बना दिया। याद रखिए मीठे इस्लामी भाइयों, मुझे और आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता जिंदगी में कि जनाब अगर मिसाल के तौर पे किसी की जिंदगी 50 साल है तो 45 साल बाद उसको कोई मैसेज आएगा कि जनाब अब 5 साल रह गए, 45 साल दुनिया तैयारी की, अब 5 साल कब्र की तैयारी कर लो। ऐसा नहीं होगा। मोबाइल की कंपनी की तरफ से मैसेज आता है ना, आपका 90% डेटा इस्तेमाल हो गया है, जल्दी से पैसे डलवा लो, 2 दिन रह गए पैकेज खत्म होने में, जल्दी अपना पैकेज रिन्यू करवा लें, मैसेज आता है ना। जिंदगी में कोई ऐसा मैसेज नहीं आता है कि जनाब 3 दिन रह गए, तौबा कर लो, मस्जिद में गुजार लो, अल्लाह को राजी कर लो, अब आखिरी दिन है, आज देखो कहीं और ना जाना, फकत सजदे में पड़े रहना, नहीं, पता ही नहीं होता। इंसान सुबह घर से निकलता है और कहकर जाता है कि ये वाला खाना बनाना शाम आकर खाऊंगा, ये वाले कपड़े इस्त्री करके रखना मैं रात आकर, दोस्तों में जाना ये वाले कपड़े पहनूंगा। अरे कपड़े इस्त्री किए हुए रह जाते हैं, घर वाले दस्तरखान बिछाकर इंतजार में होते हैं, बंदा नहीं आता, जनाजा आता है, खबर आती है कि चला गया वो शख्स जो दोपहर हमारे साथ था। आपने नहीं सुने ये वाकयात, ये सारी बातें हमारे सामने से लोग उठते जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों में लोग उठते जा रहे हैं। कितने लोग हैं जिनसे आज मिलना हो तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है। मैं क्यों नहीं सोचता कि कल मेरी बारी है, खुदारा इसी जिंदगी में तैयारी करनी होगी, इसी सुबह शाम में मैंने अपनी कब्र रोशन करनी होगी। ए फ्यूचर ब्राइट की फिक्र में जिंदगी गुजारने वालों, फ्यूचर ब्राइट हो जाए इसकी फिक्र है, ग्रेव ब्राइट हो जाए, कब्र रोशन हो जाए इसकी फिक्र कब करोगे।